लाइन पंजाब नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है। तुहाडे लई वड्डी खबर लैके हाजिर हो रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी का कहर सारे देश च जारी है ते सारे सूबे च बहुत सारे कोरोना मरीज लगातार वध रहे हैं, जिस कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सूबा सरकारां इस सब नूं लैके काफ़ी चिंतित हैं ते कई तरह के उपाय जिहड़े कोरोना वायरस महामारी नूं लैके केंद्र सरकार अते सूबा सरकारां वल्लों कीते जा रहे हैं। इसे दौरान राजस्थान तों वड्डी खबर आ गई है। राजस्थान ने कोरोना के लगातार वध रहे मामलों नूं देखदे होए वड्डा फैसला लै लिया है। राजस्थान विच 10 तों 24 मई तक मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान हो गया है। इसके तहत 10 मई को सवेरे 5 बजे तो 24 मई को सवेरे 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राजस्थान में 24 मई तक पूर्ण तौर पर तालाबंदी लगाई गई है। इस समय दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ के बाकी सब कुछ मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। राज्य में 10 मई को सवेरे 5 बजे तो 24 मई को सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने के साथ 31 मई तो बाद ही विवाह जिहड़े समागम आयोजित किए जाएंगे। इस समय दौरान सारे धार्मिक स्थान भी बंद कर दिए गए हैं। विवाह डीजे बरात और पार्टी करने आदि नाल संबंधित किसी भी तरह के समारोह की 31 मई तक आग्ञा नहीं होगी। विवाह घर या कोर्ट मैरिज करन की आग्ञा होगी, जिस में सिर्फ 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसकी जानकारी वैब पोर्टल पर देनी पवेगी। तो दोस्तों वड्डी खबर राजस्थान तो आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के लगातार वध रहे प्रकोप में देखद्या अशोक गहलोत की सरकार ने वड्डा फैसला लै लिया है। 10 मई तो 24 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जिहड़ा मुकम्मल तालाबंदी राजस्थान में लागू हो गई है। इस खबर बारे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिओ। इहोजियां वड्डियां खबरां लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करना ना भुलो। जल्दी मिलांगे नवीं खबर दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।